बढ़ते हैं आगे। उन्नाव से खबर है जहां पर तेज रफ्तार बोलेरो ने एक बाइक को मारी है जोरदार टक्कर। हादसे में दो युवकों की मौत हो गई है, एक युवक गंभीर रूप से घायल है, पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। हादसा बेटा मुजावर थाना क्षेत्र में संडीला मार्ग पर हुआ। हादसे का शिकार हुए तीनों युवक गंगा स्नान करने जा रहे थे। तो वहीं औरैया में एक तेज रफ्तार कार पीछे से रोडवेज बस में जा घुसी। हादसे में दो दोस्तों की मौके पर मौत हो गई, जबकि आपको बताएं दोनों की पत्नियां और दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को सेफे मेडिकल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हादसा अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में कानपुर इटावा हाईवे पर मुरादगंज ओवरब्रिज के पास हुआ। हादसे के बाद से ही बस ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार हैं। आज थाना अजीतमल के अंतर्गत एक भीखेपुर पुल है, फ्लाईओवर है, उस पर औरैया की तरफ से एक रोडवेज बस आ रही थी, उसके पीछे एक अल्टो कार थी। ये लोग भी औरैया से आ रहे थे और उसी में अल्टो कार जो है वो बस के दाहिनी तरफ घुस गई और शायद स्पीड में अंतर रहा होगा और उसमें कार सवार दो लोगों की मृत्यु हो गई है, दुखद मृत्यु हो गई है। बाकी उस कार में बैठे हुए चार जो अन्य लोग थे वो घायल हुए हैं, उनको तुरंत जो है एक यात्री द्वारा रास्ते में कार रुकवा करके और यहां CSC दुधना भेजा गया। हम लोग को सूचना मिली 7:26। जौनपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी है जोरदार टक्कर। बाइक सवार लोग घायल हुए हैं, दो शख्स बाइक पर बैठे हुए थे, अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई है। हादसा सरपतहा थाना क्षेत्र के अत्रहीड़ा गांव के पास हुआ। ये 108 द्वारा लगभग वही 8-8 बजे दो लोगों को लाया गया यहाँ पे और दाहिना पैर दोनों लोगों का बहुत बुरी तरह जख्मी था और उसमें से ब्लीडिंग हो रही थी। प्राथमिक उपचार करके दोनों लोग को जिला अस्पताल के लिए रिफ़र कर दिया गया था और एक लोग मतलब रास्ते में जिनकी डेथ हो गई और एक लोग को उपचार के दौरान यहीं पर डेथ हो गई। दोनों की डेथ हो गई।